Welcome guys, welcome to another new log. In this log I'm going to show you something on Himalayan Tstam and cone set, that's cone bearing. So ye meri Himalayan khol ke rakha hu, dekh sakte hain ye sab R&D job chal raha tha yahan par kal se. Main log abhi ready kar raha hu usko. So aap dekh sakte hain ye Royal Enfield Himalayan ka neck hai. और ये है टेपर रोलर बेयरिंग जो अपग्रेडेड है, अपग्रेड इन द सेंस BS4 का अपग्रेड बोले इन्होंने. और इसके पहले नॉर्मल बेयरिंग आने के, ये बेयरिंग नंबर है राइट. अभी प्रॉब्लम क्या होता है, ये बेयरिंग है इंडियन SKF इंडिया. ओके, सो इंडियन बेयरिंग्स, जहाँ तक अभी तक हिस्ट्री रही है इंडियन बेयरिंग्स की, तो इंडियन बेयरिंग्स उतने ड्यूरेबल नहीं होते हैं जापानीज बेयरिंग्स के मुकाबले. सो ये अपना Tstam है. ओके, ये मैंने निकालने की कोशिश, ख़राब हो चुका है. लेकिन ये बेयरिंग जंग खाया है, देखेंगे आप. जबकि अगर बेयरिंग स्टील की हो तो वो जंग नहीं खाना चाहिए. ये क्लोजली देखो, जंग खाया है. तो ये रस्ट होने की वजह से इसके वर्किंग में इशू आता है, फिर हमें शोल्डर पेन होता है, एल्बो पेन होता है, जो मेरा हो रहा है फिलहाल. ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मार्केट, बेयरिंग मार्केट. और ये सेम नंबर, सेम डायमेंशन, सेम साइज में जापानीज बेयरिंग ढूंढने की कोशिश करूँगा. मिलेगा तो बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब डायमेंशन में बेयरिंग्स मिल जाते हैं. और जापानीज बेयरिंग जहाँ तक मुझे लगता है सक्सेसफुल होगी हिमालयन के Tstam के लिए. और ये सक्सेसफुल हो गई तो काफ़ी लोगों की काफ़ी परेशानियाँ कम हो जाएगी, जैसे मेरी खुद की शोल्डर और टेनिस एल्बो की परेशानी है, बहुत पेन रहता है. और अभी तक कम से कम 4-5 बार बेयरिंग चेंज कर चुका हूँ मैं, क्योंकि उसमें पानी जाता है. तो अभी कंपनी ने ये सील दिया था जो BS4 में दिया है और कॉन्टिनेंटल GT में आने का, तो इसके वजह से पानी नहीं जाना चाहिए अंदर, लेकिन फिर भी जा रहा है. और ये हालत है, ये आप देख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट R&D ऑन Tstam ऑफ रॉयल एनफील्ड हिमालयन. ये DO लेके जाऊंगा, टाउन जाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ पर मार्केट के अपना बेयरिंग के बड़ा मार्केट है. और ये बेयरिंग, जापानीज बेयरिंग ढूंढ के लेके आऊँगा. सो गाइस, इट्स आफ्टर 3 डेज आई एम वर्किंग ऑन माय बाइक अगेन. ये 3 दिन तक मैंने बेयरिंग जमा किए और Tstam को पाउडर कोट किया. बाइक तो ऐसे ही खड़ी थी कवर करके. ओके, सो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे देख सकते हैं टी को मैंने पाउडर कोट किया है. ओके, तो अब ये ब्लैक हो गई है, मैट ब्लैक फिनिश. और इसको पाउडर कोट करने का मेन रीज़न ये था कि जो Tstam का रॉड है, तो ये रॉड जंग खाता है मोस्टली, और उसका रस्ट नीचे उतर के कोन बेयरिंग में बैठता है. और ये कोन बेयरिंग इस तरह से सड़ जाती है रस्ट पकड़ के. कोन बेयरिंग भी खाती है रस्ट ऐसे तो. और एक कुछ नई बातें सीखी है मैंने बेयरिंग वेयरिंग ढूंढने के टाइम पे. ये अपनी स्टॉक बेयरिंग है, इंडियन बेयरिंग. ओके, तो ये है स्टॉक इंडियन बेयरिंग. आप देख सकते हैं इसके केज का गेज और सब. अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने बेयरिंग ढूंढी है, मेड इन चेकोस्लोवाकिया. ये ब्रांड है ZKL, आप तो गूगल कर सकते हैं. ये चेकोस्लोवाकिया में मेड है. ओके, मेड इन चेक, सेम बेयरिंग नंबर. ये बेयरिंग नंबर आपको इजीली, ये बेयरिंग नंबर है 30205A. सो ये बेयरिंग पार्ट आपको कहीं भी इजीली बेयरिंग वाले दुकान में मिल जाएगा, जिन जो बेयरिंग रखते हैं. सो ये इम्पोर्टेड बेयरिंग है और ये इंडियन बेयरिंग है. अब ये इम्पोर्ट बेयरिंग और इंडियन बेयरिंग के मेक में काफ़ी फ़र्क है. इसका हैवी केज है, हैवी गेज में, प्लस इसके रोलर्स भी हैवी है बड़े. और ऑल द वे देखा है दोनों का वेट भी हैवी, ये 200 ग्राम ज़्यादा है उससे वेट में. ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों बेयरिंग के बीच में. तो अब मैं ये डाल के चेक करूँगा. 100% श्योर नहीं हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है जो रीज़न से हैंडल स्टीयरिंग जाम होता है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा. उसमें सबसे बड़ा रीज़न अपना फोक्स भी है. ओके, तो कोन सेट तो एक अलग चीज़ है, कोन जाम हो गए वो सेटिंग कर लो. लेकिन अगर आपके फोक्स जाम हो या एक फोक फ्री एक फोक जाम हो तो क्या करना होगा, मैं आपको आगे बताऊँगा. ओके, सो फॉर नाउ हम लोग ये करेंगे. और मैंने कुछ स्पेशल ग्रीस लाए हैं, SKF के ग्रीस, तो ये शायद ज़्यादा अच्छे काम करेंगे वो देसी ग्रीस से या जो भी अलग अलग ग्रीस के ब्रांड आते हैं मार्केट में.
कैस्ट्रोल का ग्रीस भी अच्छा आता है। ओके मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आगे। एक बेयरिंग डाल चुका हूँ मैं अंदर, जैसे आपको दिखा था जो JKL की बेयरिंग थी। ओके सो ये इस तरह से बैठ गई अंदर। एक्चुअल में जब स्टॉक बेयरिंग निकाला तो उसमें ये सील था, लेकिन निकालने के टाइम सील काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो अगर इसे मैं दोबारा लगा था तो बेयरिंग के वर्किंग में काम करने में तकलीफ आई थी। अब ये बेयरिंग फ्री घूम सकती है, अगर ये लग जाता तो ख़राब हो जाता, इसलिए मैं नहीं लगाया। और ये सर्विस सेंटर में बेयरिंग सेट के साथ में ही मिलता है, तो कोई जैसे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ओके तो इसे हम ग्रीसिंग करेंगे प्रॉपर। ये जो SKF के ग्रीस लाए थे मैंने, साथ ही साथ सेम टाइम रॉड को भी ग्रीस लगा रहा हूँ मैं, कि वो कहीं से रस्ट नहीं पकड़े, चले थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो। जैसे आप जानते नहीं होंगे, मैं सी साइड रहता हूँ, एकदम कोस्टल एरिया में। मेरे घर से एक 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर दरिया समुद्र है, तो खारी हवा ऐसी है कि पूरी बाइक अच्छी खासी जंग खा जाती है। तो मुझे इसे ऑयल लगा कर ग्रीस लगा कर मेंटेन करना पड़ता है, पूरी बाइक से, फिर पार्ट नहीं। बहुत ज़्यादा ग्रीस की भी ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड जितना चाहिए उतना लगा के फिर से मंदिर डालेंगे। अभी बेयरिंग को ग्रीसिंग कैसे की जाए उसका एक मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। ये सेकेंड बेयरिंग है जो ऊपर लगेगी। तो अभी मैंने क्या किया, नॉर्मली सब ग्रीस ही लगा दे, डायरेक्ट ग्रीस लगाते हैं। तो मेरे पास ये 90 का ऑयल है जो मैं मेरे चेन को भी करता हूँ, चेन लूप की जैसे, ये काफ़ी थिक होता है। वो क्योंकि ग्रीस लगाने के बाद इसमें ऑयल नहीं जाएगा और ये ऑयल प्रॉपर बेयरिंग में उतरेगा। तो ये ऑयल भी काफ़ी थिक है और अच्छा पकड़ के रखता है, होल्ड रखता है मेटल के ऊपर। तो पहले ऑयलिंग करने के बाद फिर हम लोग इसे ग्रीस से पोत देंगे पूरा। जैसा आपको मैंने बताया, ये बेयरिंग अच्छी क्वालिटी की है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ी लॉन्ग लास्ट होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छे चलनी चाहिए और ग्रीस अच्छा वापर है तो और अच्छी चलेगी, होपफुली। देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है आगे यूज़ करने के बाद, फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ उस पर। क्योंकि तो कोई भी चीज़ का 100% रिजल्ट नहीं होता है, स्टॉक से कुछ बेटर निकले तो ज़्यादा बेहतर है। आप देख सकते हैं ऑयल उतरा है, जो वहाँ से ऑयल डाल रहा था ऑयल ऊपर आ गया है यहाँ से। तो भी क्या, उस पर ग्रीस जाएगा तो ऑयल बीच में बना रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, जब तक रहेगा तब तक रहेगा। तो इसे गाइस, नीचे की बेयरिंग बैठ चुके प्रॉपर। एक्चुअली इसके लिए टूल आता है जो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने हैमर माइनस जो है मेरे पास, इससे काफ़ी सेटिंग्स राइट वन अपोजिट डायरेक्शन में टोक टोक के से बराबर जगह बिठाया। ओके तो अभी हम इसे डालेंगे इसकी जगह पर, नेक। Oh, yeah.
तो ये BS4 का अपग्रेड है जो कॉन्टिनेंटल GT में आता है, जो पानी नहीं जाने के लिए रखा है। अभी कितना काम करता है वो तो अपने को नहीं मालूम, जो भी करे करे। फिलहाल इसे अंदर डालेंगे। मेरा हाथ उड़ गया, धीरे धीरे पीछे, वो ऊपर वाला। बहुत संभाल के मारना है इसे। ये जो थ्रेड एकदम फाइन थ्रेड है, इस पर अगर मार आ गया ज़रा भी ऐसा लग गया तो ये काफ़ी बड़ा डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये साफ नहीं होता जल्दी। इसे हल्का बिठा दिया, अब थोड़ा और ग्रीसिंग करेंगे, इसमें फिलअप कर देंगे प्रॉपर। दबाने से ग्रीस उतरता है। हर चीज का एक टेक्निक होता है, तो काम हो जाता है। तो इस पे ये सीलेंट वाला कैप लगा डालते हैं, तो इसके ऊपर आएगा चेक नट। ये चेक नट जिसे सेटिंग होता है टाइट और लूज करने का, कौन सेट का, अरे नहीं ऊपर का टीकून लगेगा। पहले आएगा चेक नट, फिर आएगा ऊपर का टी। तो गाइस नीचे का चेक नट है प्रॉपर टाइट किया है, तो टी और नेक में प्ले नहीं है, देख सकते आप फिटम फिट है। फिर उसके ऊपर अभी ये अपर प्लेट लगा के, बोर्ड लगा के ऑलमोस्ट फुल टाइट नहीं करूँगा, क्योंकि फोक पाइप लगाना बाकी है अभी। और ये कोन सेट का लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो गाइस ये था कोन बेयरिंग का इशू जो मैं ट्राई कर रहा हूँ रिजॉल्व करने का। 100% नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। JKL की इम्पोर्टेड बेयरिंग डाली मैंने, JKL और NTN। NTN मेड इन जापान होता है और JKL मेड इन चेकोस्लोवाकिया। ओके ये है मेड इन चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक। ओके तो ये बेयरिंग नंबर है 30205A। ये यूनिवर्सल नंबर है इस बेयरिंग का, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड सेम नंबर में ये बेयरिंग मिलेगी, भले इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो। ओके सो JKL और NTN ये दो ब्रांड है जो इम्पोर्टेड बेयरिंग देते हैं, सेम मेजरमेंट सेम साइज के बेयरिंग। NTN जो जापनीज है और JKL जो मेड इन चेकोस्लोवाकिया है। ओके गाइस तो ये लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगला लॉग होगा फोक पाइप पर, जिसे ये भी अभी बनाऊंगा लेकिन बाद में शेयर करूंगा। ओके सो अभी इसमें कुछ R&D करनी है और कुछ सर्विस से लेकर इसमें कुछ इश्यूज़ है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। Till then, take care, ride safe, enjoy your journey.